बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हिरा हसन अमीर हसन कैलीग्राफी से। आज मैं आपको दाल बनाना सिखाऊंगी। अभी तक हमने जीम तक सीखा है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी आज मैं कि हमने कैसे बनाना है। हमेशा की तरह लाइंस कर लेनी है, ये मैंने दो लाइंस कर ली हैं इस पर। तो चलें मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहले हम अपनी इंक कर लेते हैं। और हमेशा की तरह आपने यही देखना है कि बहुत स्लो लिखना है आप लोगों को। इसको इस तरीके से इसको कर देंगे और ये नोक से इसकी जो कलम की नोक है हम इसको पूरा इस तरीके से सेट करेंगे। इसकी टोटल ये लेंथ रहेगी 2 कद की और ये नीचे का इसका ये इसको हम चेयर बोलते हैं, मतलब कुर्सी होती है नीचे की ये चीज़। बिल्कुल आप देखेंगे इसका ये शेप बिल्कुल कुर्सी के जैसा आएगा। देन ये कद रहेगा आपका अंदर की, ये गहराई रहेगी 1 कद की और बाहर का ये टोटल रहेगा ये 2 कद का। देख लें आप पूरा ये 2 कद है। अब मैं बनाती हूँ और दिखाती हूँ। देखिए इस टाइप से आ जाएगा ये, और मैं इंक से जैसे मैंने उसको भरा था ऐसे ही मैं इसको भी भर दूंगी। ये सेम ऐसा रहेगा, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा छोटा बड़े इसलिए कर देती हूँ आपको आराम से नज़र आ जाए कि चाहे साइज़ कोई भी रहे, कलम कोई भी रहे, इसका शेप बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा। अगर मैं छोटा बनाती हूँ तब भी इसका शेप बिल्कुल वैसे ही रहेगा और बड़ा बनाती हूँ तब भी सेम रहेगा। अब और बताती हूँ मैं आपको। अच्छा एक चीज़ है कि अगर हम इसको बना रहे हैं तो कलम से ही इसकी थोड़ी इसकी नोक से ही हमने इसको सेट करना है। आप लोग देख रहे हो मैं कितना स्लो लिख रही हूँ, आपको भी इतने ही स्लो लिखना है। देखिए इसकी जो ये नोक है मैं आपको बताती हूँ, इसकी ये जो नोक है ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ हमने इससे सेट करनी है। इसकी जो ये नोक है कलम की नोक से हमने इसको सेट करना है। अच्छा हाथ हमेशा, मैं फिर से बता रही हूँ, हाथ हमेशा हमने इतना रखना है कि ये चीज़ यहाँ